हाय गाइस, जय हनुमान। जेईई मेन 2023 के अप्रैल सेशन का एग्जाम लगभग अब अपने अंतिम दौर में है। अब ये बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटीज हैं, जिनका जेईई मेन जनवरी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया, और अप्रैल में भी जो उन्होंने अभी तक मार्क्स कैलकुलेट किए या जितने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, जो भी उन्होंने एनालाइज किया, उसमें उनको लगता है कि अप्रैल सेशन में भी उनके अप टू द मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो अब करें क्या। देखिए, मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट अलर्ट की तरह ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमने बहुत सी बार इस चीज को देखा है कि बच्चों के जब जनवरी जेई मेन या फिर उसके बाद अप्रैल सेशन या जो भी उसका लास्ट सेशन होता है, उसमें एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं। उन बच्चों के पास में कई बार अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद भी अगर वो अप्लाई नहीं करते तो उनका साल खराब हो जाता है, और ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है इंडिया के सारे प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने का, और कुछ कॉलेज ने तो जेईई मेन की डेट्स को देखते हुए अपने एग्जाम की डेट्स को चालू भी कर दिया है। तो गाइस, आप ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ हिंट देना चाह रहा हूं, कुछ बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका जनवरी जेईई मेन में जो भी अभी परसेंटेज आया, लेकिन अप्रैल में जो भी आपके मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने मार्क्स आएंगे, तो उस मार्क्स के हिसाब से एग्जाम देने के बाद अब आपको किन प्राइवेट कॉलेज के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की बिल्कुल अब लास्ट आ चुकी है। सबसे पहले बात कर लें जिन बच्चों की कैटेगरी जनरल है, अगर उनका 160 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिनके 140 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, एससी एसटी वाले बच्चे जिनका 130 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, उनको केवल केवल बिट्स पिलाने के बारे में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बिट्स का सेशन वन के अप्लाई करने की डेडलाइन 15 अप्रैल और सेशन टू के अप्लाई करने की डेडलाइन 12th of June तक है। अब जिन बच्चों का अप्रैल सेशन में, अगर मैं इसको परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स की बात भी कर लूं, पहले मैं जनवरी से भी रिलेट करता हूं, चलो जनवरी में जिनका 98.5 से ऊपर परसेंटाइल है, उनको बिट्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। जैसे मार्क्स मैंने बता दिए, वो अप्रैल सेशन के लिए बता रहा हूं, तो यानी मैं परसेंटाइल बता रहा हूं जनवरी की और मार्क्स बता रहा हूं अप्रैल का, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। अब ऐसे बच्चे जिनका जनवरी में 98 परसेंटाइल से नीचे है और जिनके अप्रैल में भी मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन कैटेगरी जनरल है, तो 130 या 140 के आसपास या 130 से 160 के बीच में कैटेगरी, अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस है और उनका परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, परसेंटाइल जिन बच्चों का 97 से नीचे था जनवरी में और अभी जिनका अप्रैल में कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के कारण या ओबीसी में जिनका 140 से बिलो मार्क्स आने के चांसेस हैं, उनको जरूर, या फिर जिनका एससी एसटी की बात कर लें, एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल 95 से बिलो है जनवरी में और उनका अगर लग रहा है कि उनके 100 से आसपास मार्क्स आने के या 100 से 120 के आसपास मार्क्स आने के चांसेस हैं, वो कॉमेट के लिए जरूर अप्लाई करें। साथ साथ वीआईटी की लास्ट डेट निकल चुकी है, उसका एग्जाम आ गया, लेकिन इसके अलावा मणिपाल के लिए अप्लाई करें और पीएस बैंगलोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका जनवरी में परसेंटाइल 96 या 97 से बिलो है, कैटेगरी जनरल है, और उनका अभी मार्क्स 100 से या 120 से बिलो आ रहा है, और साथ साथ ओबीसी डब्ल्यूएस के बच्चे जिनका परसेंटाइल अभी जनवरी में 95 से बिलो है और जिनका अभी मार्क्स 120 से या 100 से बिलो आ रहा है, कैटेगरी वाले बच्चे जिनका 93-94 से, एससी एसटी वाले बच्चे जिनका 93-94 या 92 से कम परसेंटाइल है और अभी जिनका 100 से बिलो मार्क्स आ रहा है या 90 से बिलो मार्क्स आ रहा है, उन सारे बच्चों को कुछ प्राइवेट कॉलेज जैसे कलिंगा, नरसिम्हा मुंबई, एसआरएम चेन्नई, नेस्ट अगर रिसर्च में जाना चाहें, अमृता अगर वो सीएमआई आईएसआई के हिसाब से सोचते हैं, यूपीएस, एलपीयू और कई और कुछ प्राइवेट कॉलेज जैसे बेनेट है, आपका शिवनादार है, इन सब कॉलेज के बारे में जरूर प्लान करना चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर मैं अप्लाई करने की डेडलाइन की बात सबसे पहले आपसे कर लूं, तो कॉमेट के अप्लाई करने की डेडलाइन 24th है, कलिंगा के अप्लाई करने का फेज वन निकल चुका है, फेज टू फेज थ्री के अभी आगे आएगी, नरसिम्हा के 21st of May है, एसआरएम का फेज वन 16 अप्रैल, फेज टू 5th of July और 17 जुलाई फेज थ्री के अप्लाई करने की डेडलाइन है, मणिपाल में भी 15 अप्रैल तक अप्लाई करने की फेज वन डेडलाइन है, लेकिन फेज टू के आगे तक डेडलाइन है। नेक्स्ट जो बच्चे रिसर्च में जाएंगे 17 मई तक अप्लाई कर सकते हैं 17 में, अमृता की लास्ट डेट अभी डिफाइन नहीं है, और यूपीएस के अप्लाई करने की डेडलाइन 25 अप्रैल है, एलपीयू के अप्लाई करने की डेडलाइन 10th of April है। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपका जनवरी में जो रिजल्ट रहा, जैसे मैंने आपको परसेंटाइल में बताया, और अप्रैल में जो भी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं, इसके हिसाब से भी मैंने बताया कि आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक आ चुकी है प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की, और अगर अप्लाई नहीं किया तो लास्ट डेट निकलने के बाद में आपको ऐसा ना हो कि जब आपके हाथ में अप्रैल का रिजल्ट आए और आप प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन जो मैंने अभी आपको बताई वो निकल जाए तो आप पछताएं। तो इसका ध्यान रखिएगा, इन प्राइवेट कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अप टू द मार्क्स जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, ये कुछ एनआईटी के हिसाब से क्या कुछ
कुछ मिल सकता है, IIIT के हिसाब से क्या कुछ मिल सकता है, वो कॉम्बिनेशन लगा करके आपको समझाने की कोशिश करिए ताकि आप प्राइवेट कॉलेज का समय रहते अप्लाई कर पाए। विश ऑल द बेस्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपकी क्वारीज। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।